नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर वरुण गोयल झंडू आयुर्वेदिक चिकित्सालय सेक्टर 14 सोनीपत से बोल रहा हूँ। मित्रों, पिछले लगभग 7-8 महीने से एक ही सभी जगह चर्चा का विषय है, वो है कोरोना। कोरोना एक ऐसा रोग है जिसमें अधिकतर लोगों को कोई लक्षण नहीं आते हैं, यानी 95% लोग बिना किसी दवाई के, बिना किसी औषधि के ही ठीक हो जाते हैं। और 5% जिन लोगों को लक्षण आते हैं वे बहुत ही हल्के, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, खाने में टेस्ट ना होना, इसके अतिरिक्त थोड़ा शरीर में हरारत, और बहुत ही कम ऐसे लोग जिन्हें अस्थमा की समस्या है या डायबिटीज की समस्या है, उन्हें ही सीरियस समस्याएँ आती हैं। लेकिन कोरोना के डर की वजह से लोग, कई लोगों को मैंने देखा है, वो बहुत तरह के इम्यूनिटी बूस्टर चीज़ों का प्रयोग करते हैं, और केवल एक इम्यूनिटी बूस्टर नहीं, वो 10-10 इम्यूनिटी बूस्टर चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जिससे उन्हें कई तरह की परेशानियां आने लगी हैं। इम्यूनिटी बूस्टर अधिकतर चीज़ें गर्म तासीर की होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें पाइल्स की समस्याएँ, पेट में अत्यधिक गर्मी होना, पेट छाती में जलन होना, खट्टी कड़वी डकारें आना, या फिर मुंह में छाले हो जाना, या फिर ज़्यादा गैस बनने की वजह से सिर में दर्द हो जाना, इस तरह के लक्षण भी आ रहे हैं। तो मित्रों, हमें इम्यूनिटी बूस्टर कौन सा लेना है, किस व्यक्ति को कौन सा लेना है, महिला को कौन सा लेना है, बच्चे को किस तरह का इम्यूनिटी बूस्टर प्रयोग करना चाहिए, या फिर किस तरह की बातों का कोरोना की इम्यूनिटी की दवाइयाँ लेते समय हमें ध्यान रखना है, तो ये हमें इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इम्यूनिटी बूस्टर चीज़ों में हमारे पास बहुत सी औषधियाँ हैं, उसमें से मैं 2-3 औषधियों पर चर्चा करता हूँ। ये औषधि है कोरोनिल टैबलेट। कोरोनिल टैबलेट बहुत अच्छी दवाई है। बहुत अच्छी दवाई का मतलब है ये केवल और केवल मुझे लगता है अस्थमेटिक पेशेंट्स को, या फिर ऐसे पेशेंट्स को ही प्रयोग करनी चाहिए जिससे जिनकी समस्या ज़्यादा हो, क्योंकि इससे एसिडिटी और गैस की समस्याएं सामान्य रूप से देखी गई हैं। दूसरी दवाई है आयुष क्वाथ। यह औषधि 4 चीज़ों से मिलकर बनी है, तुलसी, अश्वगंधा, सौंठ और दालचीनी। ये 4 चीज़ें भी गर्म तासीर की होती हैं, तो जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या है उन्हें सामान्य इम्यूनिटी बूस्टर जैसे आंवला मुरब्बा, जैसे एप्पल मुरब्बा, या सामान्य मुलेठी चूर्ण का काढ़ा, या मुलेठी चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम, इस तरह से प्रयोग करना चाहिए। अगर व्यक्ति काढ़े में ही सबसे सिंपल औषधि, जिससे कोई एसिडिटी ना बने, ऐसा प्रयोग करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है जुशांदा। ये आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। 1 कप तेज़ गर्म पानी में आप जुशांदा के ग्रैन्यूल्स डाल सकते हैं और वो आधे मिनट में ही घुल जाएंगे और आप उसे चाय की तरह पी सकते हैं। तो मित्रों, हमें इम्यूनिटी बूस्टर लेते समय बहुत बातों का ध्यान रखना है। अपने आप से कुछ नहीं लेना है, उससे आप दूसरी परेशानियों में फंस सकते हैं। और इसके बारे में अगर आप कोई भी चर्चा करना चाहें तो आप मुझे झंडू आयुर्वेदिक चिकित्सालय सेक्टर 14 सोनीपत में मिल सकते हैं।